सोसाइटी का ऑफिस बहुत सुंदर गार्डन के साथ आपको मिल रहा है। तो भाई यह 20 नंबर गार्डन आनंदम लिखा हुआ है। ये है रोड नंबर 9। बहुत सारा घर उधर बन गया है, बहुत सारा घर इधर बन गया है। पीछे का रोड एक बार देख लो, जहाँ से हाईवे टच कर रहा है आपको मिल जा रहा है छठ घाट का बहुत बड़ा सा रोड मिल रहा है। घर देख लो भाई, बहुत सारा बन गया। आ चुका है मंदिर में, मतलब हिंदू रिलीजन में जो जो चाहिए आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। कहीं से भी आप पूरा ऑल इंडिया का वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो मतलब फिर से आया हूँ, बहुत दिन बाद में बता सकता हूँ, ठीक है। इस लोग का थंबनेल देख के पता चले गया होगा कि सेकंड बाइक का वीडियो नहीं है भाई, ये प्लॉट का वीडियो। तो बहुत दिन बाद आया हूँ आनंदम रेसिडेंशियल में, जो कि आप लोगों को पता होगा मैं नवीन भैया के पास साथ में हमेशा शूट करता हूँ यहाँ पे। तो इस बार भाई बहुत कुछ चेंज हुआ, ठीक है। अगला बार तो भाई प्लॉट का दाम बहुत ही कम था, लेकिन हाँ प्लॉट का दाम तो दिन दिन बढ़ रहा, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो अभी क्या क्या चेंज हुआ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे तो नवीन भैया से मिल के आप लोगों को लोकेशन क्या हो जाएगा, वैसे है ये आसनसोल का अंदर ही, तो लोकेशन क्या हो जाएगा, रोड कौन सा पड़ेगा, ये आसनसोल से कितना अंदर है, स्टेशन कितना दूर है, सब कुछ आप लोगों को बारीकी से पता चल जाएगा। एक एक करके मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। मैं बताता हूँ भाई, जब मैं इससे पहले एक बार आया था 6-7 महीने पहले, उस टाइम मतलब क्या होना, जो फैमिली रहने वाला घर था ना वो 2 या 3 बना था, ठीक है, और 5-6 घर रेडी हो रहा था। लेकिन अभी मैं जब आया हूँ ना, तो मैं अभी आते टाइम में देखा 50-60 घर भाई बन गया, जहाँ पे लोग फैमिली के साथ रह भी रहे हैं, और 30-40 घर अभी बन भी रहा है भाई। देख लो इधर तो भाई थोड़ा अंदर है तो खाली एरिया मिल रहा है, बाकी गेट के पास तो बहुत सारा घर बन गया, सब रह रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा आप लोगों को मतलब वेट नहीं करवाएंगे, फटाफट चलेंगे नवीन भैया के पास, और एक एक करके मैं आप लोगों को सब चीज़ मतलब उनसे पूछ लूँगा कि कैसे क्या हो जाएगा, प्लॉट का प्राइस कैसे हो जाएगा। और चीज़ मैं और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई, ये प्लॉट जो है ना, यहाँ पर आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ प्लॉट मिलेगा, ठीक है। आप चाहो तो 2 कट्ठा 3 कट्ठा 4 कट्ठा प्लॉट भी ले सकते हो, मतलब जमीन जिसको बोलते जमीन भी ले सकते हो, या तो फिर आपको चाहिए डुप्लेक्स वगैरह, आपको मतलब रेडीमेड घर चाहिए आप वो भी ले सकते हो, ठीक है, जैसा आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। या फिर आप अगर चाहते हो, आपको बस टाइम नहीं है, ठीक है, आप प्लॉट भी ले लिए लेकिन आप घर अपना मनपसंद से बनाना चाहते हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, तो जो आपको प्लॉट दिलवाएंगे उनको अगर आप बोल दोगे कि भैया मेरे को आप मेरा प्लॉट पर आप मेरे को घर मेरे को बनवा के दीजिए, इस तरह मेरा डिज़ाइन है, ठीक है, वो भी आप लोग जो पैसा इंक्लूड होगा वो आपको करना पड़ेगा, इंक्लूड मतलब आपको देना पड़ेगा, उसके बाद वो भी बन जाएगा भाई, ठीक है। तो जैसा आप लोग रिक्वायरमेंट रहेगा, आप लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चीज़ आप लोग को बना देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, फटाफट चलेंगे नवीन भैया के पास, ठीक है। भैया कैसे हैं? एकदम बढ़िया, बहुत दिन बाद, एकदम बढ़िया भैया। तो लगभग इतना कितना दिन बाद होगा हम लोग का वीडियो? लमसम 6 महीना प्लस, 6 महीना प्लस है। तो 6 महीने में रेट में क्या अंतर हुआ है? काफ़ी अंतर हो गया। सबसे पहले भैया आप लोकेशन समझा दीजिए कि लोकेशन कैसे क्या हो जाएगा। लोकेशन ये जुबली के पास में है, आसनसोल में, जो जुबली पेट्रोल पंप। जुबली पेट्रोल पंप से पहले जो हमारा गेट पड़ता था वो 1.5 किलोमीटर पड़ता था, अब पड़ रहा है 1 किलोमीटर पे। पहले 1.5 किलोमीटर पड़ रहा था, अब पड़ रहा है 1 किलोमीटर। हाँ, मतलब एक और गेट जो बनने वाला था, जो मैंने पहले बताया था, अब वो बन चुका है। और पहले हम लोग जो प्रॉमिस किए थे कि बनेगा वो सब अभी ऑलरेडी बन गया है ना? हाँ बिल्कुल, जो कमिटमेंट था हम लोग पहले बोले थे कि अभी जो आप लोग घर देख रहे हैं, अगला बार जब वीडियो बनाने आएंगे तो बहुत सारा घर और बन जाएगा, उससे ज्यादा ही घर बन पाएगा। अगला बार हम लोग यहीं पे खड़ा होकर मतलब वीडियो बनाए थे, खाली वो वाला एक था ना? हाँ, एक ही घर था और कुछ नहीं था, लेकिन ये सब और बन गया। अभी ये सारा नया घर बना, पीछे भी अभी कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन, देखिए सब कुछ चल ही रहा। मतलब अभी इतना घर बन गया ना कि आराम से मतलब कोई भी फैमिली लेकर रह सकते हैं। लमसम 100+ फैमिली शिफ्टेड है, शिफ्टेड है। हम वीडियो में 50-60 घर बोले, मतलब उससे ज्यादा है? नहीं नहीं, ज्यादा ही है, ठीक है। लोग क्या होता है कि बहुत सारे के घर ऐसा भी है कि बंद है, आपको पता नहीं चलेगा कि फैमिली रह रही है, लेकिन फैमिली रह रही है। भैया रेट का तो बहुत कुछ तो अंतर हो ही गया, ठीक है। और फिर से बता दीजिए, यहाँ से जो हम लोग का ये आनंदम रेजिडेंसी जो प्लॉट, यहाँ से रेलवे स्टेशन आसनसोल वाला कितना दूर हो जाएगा, या फिर धर्मपुर वाला कितना, सबसे सामने वाला कौन सा? नियरेस्ट अभी आसनसोल ही पड़ेगा, जो 4.5 से 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर और आसनसोल मेन मार्केट कितना किलोमीटर पड़ेगा आपका? रेलवे स्टेशन के आसपास ही सारा कुछ है, ठीक है ना। ऐसे तो मेरे सोसाइटी के अंदर सुपर मार्केट भी है, सोसाइटी जैसे बाहर निकलेगा वहाँ भी सारी चीज फैसिलिटी है, स्कूल वगैरह बहुत कुछ तो आप लोग दे रहे हैं ना। और इसके अंदर प्ले स्कूल आ रहा है, प्ले स्कूल आ रहा है, जो कि ज्यादा मतलब बच्चे लोग के लिए ज्यादा जरूरत पड़ता है। हाँ, क्लब हाउस है, इसमें क्लब हाउस एक आ रहा है, बहुत सारी चीजें अभी नई नई चीजें हम लोग और ऐड किए हैं, ठीक है। जैसे रोड पहले नहीं बना हुआ, रोड नहीं बना हुआ, सारा रोड बन गया है। हाँ, ये सारा रोड बन गया, ड्रेन बन चुका है, पानी आ चुका है, इलेक्ट्रिसिटी आ गया है,
मतलब तभी तो सब रह रहे हैं ना अभी। बिल्कुल बिल्कुल, सारे फैसिलिटी हमें सारे फैसिलिटी मिल गया। मतलब पहले जब हम लोग वीडियो बनाते थे उस टाइम हम लोग बोलते थे कि आप लोग प्लॉट खरीदो घर बना लो बाद में, लेकिन अभी आप लोग क्या ना अभी खरीद के अभी घर बना सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल है ना। हाँ। अभी बहुत सारा घर उधर बन गया आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और ये सब जो खाली खाली जगह छोड़ा ये सब शायद कुछ कुछ बिका हुआ, नहीं ये कुछ बिका हुआ है, कुछ अभी कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, कुछ बिकना बाकी है। और आप लोग का आनंदम में क्या क्या आप लोग मतलब प्रोवाइड करवा रहे हैं? रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज हो गया, इसके अलावा भी प्रोजेक्ट और बाउंड्री वॉल है, सीसीटीवी कैमरा है, सिक्योरिटी गार्ड है, प्ले स्कूल है, मतलब प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया है ना, किसी का प्राइवेसी कुछ हाँ, खराब नहीं होने वाला है। प्राइवेसी खराब नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं कोई भी बाहर का आदमी इसमें एंट्रेंस ले सकता है, गेट पे ही उनकी इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी होती है, हाँ नंबर वगैरह सब कुछ हाँ जो भी सेफ्टी नाम के लिए वगैरह। का कि जितने हाँ भी ऑफिसर ग्रेड के लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके भी सेफ्टी। पहला बात तो जिनका घर में आएंगे उनको कॉल करेंगे मेरे को जहाँ तक लग रहा है ना, बिल्कुल 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 कंफर्म करेंगे उसके बाद ही अंदर आएंगे, है ना। तो जो भी हो भैया, तो सबसे जो बड़ा चीज़ है अभी 10 रुपये का रेट के लिए अभी जो चल रहा है, उस टाइम अभी क्या चल रहा था पहले वो बताइए। उस समय चल रहा था 5,25,000 रुपये पर कट्ठा है, अभी अभी 6,12,000 रुपये से लेके मेरे पास अभी 9 लाख रुपये तक जमीन हो गया। मतलब कहाँ 5 लाख कहाँ 6 लाख, फिर भी हाँ ज्यादा नहीं बढ़ा है। हाँ नहीं इधर का आपका 6,12,000 रुपये इधर का है, ठीक है, और आगे का पोजीशन जो है वो अभी पकड़ के चलिए 7 लाख रुपये कट्ठा तक का है, 7,75,000, 8 लाख रुपया। सही है। कॉर्नर था पहले, था कॉर्नर का ज़्यादा रेट नहीं था, अभी कॉर्नर का जो रेट हो गया वो 1,075 रुपये स्क्वायर ये फीट तो हो गया। सच बात है कि कहीं भी कोई भी रेसिडेंशियल में अगर घर बनना शुरू हो गया तो उसका रेट बढ़ना ही बिल्कुल है कि बिल्कुल नहीं। तभी तो सब बोलते हैं ना कि जब प्लॉट कहीं बनता है तो उस टाइम भी बहुत कोई इसलिए लेते हैं कि उस टाइम दाम कम रहता है। अभी भी हम बोल रहे हैं कि जो लोग नहीं लिए हैं उनके लिए अभी भी लेट नहीं हुआ है ये नहीं ज़्यादा आने। कुछ बड़ा भी हाँ नहीं है। क्योंकि जब ये लॉन्च किए थे हम लोग 2.5 से 3 लाख रुपए कट्ठा लॉन्च किए थे मेरा पहला ऊंचा। वीडियो में शायद 3 लाख साढ़े 3 लाख रुपये हाँ कट्ठा था। ठीक है, तो उस समय 2.5-3 लाख रुपए कट्ठे के हिसाब से अभी 4 सालों में अभी 6 लाख प्लस चला गया है, तो जिनका इन्वेस्टमेंट है वो भी डबल हो रहा है ना। डबल हो रहा है। ठीक है, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 3-3.5 साल में पैसा उनका और भी ये डबल हो रहा ऐसा है। नहीं कि आप लोग रुकोगे सोचोगे दाम दाम तो हाँ कमने वाला है, नहीं तो सबको पता हाँ है, प्रॉपर्टी का रेट हमेशा बढ़ता ही हमेशा है, बढ़ता ही है। तो आप इसमें फिर इन्वेस्ट भी भी कर सकते अनंदम का हैं। रेट उतना भी ज़्यादा हाई नहीं हुआ। हम लोग कहाँ 6-7 महीने पहले वीडियो बनाए तो उससे 1-1.5 लाख रुपये ही बढ़ा हाँ है ना। यहाँ तो सप्ताह सप्ताह में रेट बढ़ता है, चेंज होता है। और ये कोई सोना वगैरह है नहीं कि आज घटेगा कल बढ़ेगा, ये बढ़ेगा सिर्फ, बढ़ेगा बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, नहीं प्रॉपर्टी घटेगा कभी नहीं बढ़ती नहीं है। ठीक एक है, रुपया अब घटेगा नहीं, सब बढ़ेगा खाली। इन्वेस्टमेंट के लिए भी कुछ इनका इन्वेस्टमेंट का प्लान इन्वेस्टमेंट हाँ कर बहुत सकते कोई हैं। क्या कि जैसे मेरे वीडियो अगर कहीं आप बाहर से देख रहे हो, वेस्ट बंगाल के बाहर से कहीं से, तो बहुत आदमी क्या कहते हैं ना, मतलब जैसे कि बाहर का प्लॉट और यहाँ का वेस्ट बंगाल का बहुत सस्ता, हाँ ऐसा बाहर के होता ही तुलना में है। सस्ता ही तो है, ठीक बहुत है कोई कस्टमर क्या कहते हैं ना कि मतलब कॉल करवा के बुक कर लेते, आपको तो पता ही है, आपको तो कॉल आता ही है। बिल्कुल वो बिल्कुल लोग फोन क्या, वो करते लोग हैं। कभी कभी क्या कहते हैं घर नहीं बना लेकिन फिर भी बुक कर लेते हैं। नहीं बहुत सारे लोगों सोचते होंगे कि सोचते हैं ये कि मैं बाहर का हूँ यहाँ क्या करूँगा, तो सबसे बड़ा कि उन इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है हाँ कि ये सेफ जोन है, ठीक है ना, सेफ ये जोन एक है, रेसिडेंशियल के ऊपर है, एक टाउनशिप के अंदर में है, वही तो आपका जमीन 1 इंच भी इधर से उधर नहीं होगा, ये सही बात कंपनी है। का जिम्मेदारी होती है आप यहाँ से ले रहे। मेरे पास मैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता से लेकर बेंगलुरु से लेकर सभी जगह के क्लाइंट इन्वेस्ट करके रखे इन्वेस्ट हैं। करके रखे हैं। हाँ बहुत कोई सोच मुझे, रहे कि या तो घर बनाएंगे या तो बाद में सेल हाँ करेंगे। किन्हीं का भी अगर एक भी रिलेशन रह रहा तो वो हमारा वीडियो जो देख रहे हैं किन्हीं ना किसी से कांटेक्ट करते हैं, भेजते हैं, और फिर कौन सा प्लॉट खाली है वो बुक कर लेते हैं। बुक कर लेते हैं हम तो अगर नहीं घर, बहुत कोई जो बाहर बड़ा कस्टमर है वो क्या करते हैं, ज़्यादातर इन्वेस्ट इन्वेस्ट करके रखते हैं हाँ क्योंकि प्लॉट इन्वेस्ट का कर दाम लेते हैं। बढ़ता है जैसे कि हम लोगों ने बिल्कुल बता दिया। तो भैया एक चीज़ और हम लोग को बता दीजिए, मान लीजिए जैसे कि जैसे हम अगर प्लॉट ले लिए यहाँ पे, ठीक है, और मेरे को अगर प्लॉट नहीं चाहिए, मेरे को बना बनाया घर चाहिए, तो उसके लिए बना बनाया घर हम लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं, आपके आँख के सामने हम लोग हाँ बना के मतलब प्रोवाइड मतलब करता बहुत है। किसी क्या होता है ना कि टाइम नहीं होता खड़ा हुआ हाँ घर हाँ बनवाने का। हाँ देखिए आप लोग का ये काम है, आप लोग का हाँ ही जॉब है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल मेरा बिल्कुल तो जॉब कुछ और है ना। सही बात है। अब जैसे आप हाँ लोग का जॉब, आप तो यहाँ पे मतलब 12 घंटा 8 घंटे जो भी रह हाँ रहे हैं, तो मेरे को जैसे आप पे हम मतलब लिए तो मेरे को आप पे भरोसा अगर है तो हम चाहेंगे कि आप मेरा घर बनवा के दीजिए, उसका जो पैसा होगा उसमें इंक्लूड, या फिर मतलब जो भी आप समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत किसी का नहीं, समय नहीं रहता, हाँ नहीं बोलने का तो मतलब यही वो है। आपका पकड़ा चले 21 से 22 लाख रुपये टू BHK बंगलो हम लोग बना जमीन के साथ में बना के जमीन रहे के हैं, साथ में 21 से 22 लाख के बीच में के बीच में मतलब आप लोग बना के दे देंगे। और डिजाइन वगैरह का क्या है? डिजाइन जो क्लाइंट का कस्टमाइज होता है उनका जो चॉइस है उसी चॉइस के हिसाब लेकिन से। हाँ हाँ ये नहीं कि 21 से आप बाद में बोलेंगे कि भैया आप तो 21 से 22 लाख बोले थे, अगर आपका डिजाइन कुछ ज्यादा कुछ होता है तो उसमें बढ़ भी सकता है, हाँ बढ़ता कम भी ही, हो सकता है, हाँ नहीं काम नहीं कम तो होता है, ठीक है ना, लेकिन क्या होता है थोड़ा सा बढ़ता ही है, ठीक है बढ़ेगा ना, ही वही बात है ना। क्योंकि जब भी कोई लोग घर बनाते हैं तो उनका एक सपनों का घर होता है, ठीक है, तो वो जब घर बनाते हैं तो कुछ ना कुछ उसका मतलब कुछ प्लान चेंज हो जाता है कि थोड़ा सा सर ये नहीं ये कर दीजिए, थोड़ा सा ये कर दीजिए, उसमें थोड़ा सा रेट थोड़ा इधर सा। उधर हो हाँ जाता तो है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि आप उसमें इतना बोलते हैं, 50 से 1 लाख रुपया आगे पीछे होता ही है, ठीक है ना, होता ही है। इसको माइंड में रख के चलना पड़ता है। वो तो फिलहाल तो सभी को पता होगा, लेकिन हाँ बहुत किसी को जैसे मेरे को पता है कि खड़ा होकर घर बनाने में सही में टाइम नहीं है, ठीक है।
तो इसीलिए बहुत कुछ चाहे हैं कि आप लोग जब प्लॉट दे ही रहे तो आप लोग ही घर उनको मतलब करवा के दे दीजिए, आपको जो पैसा होगा। तो बहुत कुछ क्लाइंट ऐसा होता भी होगा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल और होता ही है। बहुत किसी को रेडीमेड घर भी चाहिए बहुत रहता है, सारे लेकिन हमारे रेडीमेड ऑफिस ग्रेड के जो लोग हैं जिनके पास मतलब ऑफिस छोड़ के समय ही नहीं मिल पाता है, उनके लिए क्या करना, तो वो हमें सिर्फ पेमेंट करते हैं, पार्ट बाय पार्ट पेमेंट करते हैं, अपना कंस्ट्रक्शन अपने आप हाँ, पास जिस आगे जिसका बढ़ता। जिसका मान लीजिए छोटा फैमिली है, जिसका ज्यादा बड़ा फैमिली नहीं है, घर पे लेडीज है, वो तो कहीं आ नहीं सकती, जा हाँ नहीं सकती बिल्कुल है, बिल्कुल और उनको तो भाई काम रहता, तो फिर आप लोग मतलब करवा सकते हो ऐसे करके। आपको ऐसे भी अगर आप मतलब मान लीजिए अगर 10 लाख का प्लॉट लेते मेरे ख्याल से, उसमें आप मतलब मिनिमम से मिनिमम जैसे भी घर बनेंगे ना, फिर भी आपका 15-17 लाख रुपया कहीं नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल 15 लाख का तो आपको उसमें मतलब लगेगा ही लगेगा, लग ही जाता है। है कि नहीं? हमें काम इसलिए लगता है क्योंकि हमारी सारी मटेरियल जो होती है वो फैक्ट्री से ही बल्क आती में है, आता बल्क में शायद, आता, तो है इसलिए ना? और कॉस्ट ऐसा बहुत नहीं है। कि मतलब जैसे कि सीमेंट वगैरह जो भी रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल जो होता है ना, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक घर के लिए, इन लोगों का क्या है ना कि बहुत सारा घर का बिल्कुल माल होता वगैरह है, आते रहता है, ठीक है, तो उसलिए तो तो आप लोग का इसीलिए बहुत थोड़ा कॉस्ट कम पड़ता कॉस्ट है। कम पड़ता है, इसीलिए हम लोग बोले कि 21 से 22 लाख रुपया में हो जाएगा, थोड़ा हाँ थोड़ा टू बहुत बी एच ज्यादा जा के। सकता है। या एक चीज और बता दीजिए, वैसे हम लोग वीडियो बाहर में बना रहे, ऑफिस में बना सकते हैं, ऑफिस में बनाने से क्या होगा, आप लोग को मतलब मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये देखने में भी आप लोग को, आप लोग हम लोग को देखो, पीछे देखो, बात हम लोग को सुनोगे और पीछे देखोगे, ठीक है। और भैया एक सवाल मेरा मन में था, जैसे कि अभी का क्या है ना, अभी जहाँ पे भी रेसिडेंशियल हो रहा तो उसमें क्या है ना, रेसिडेंशियल में तो जो है वही है ही, लेकिन पीछे साइड या कहीं भी फ्रंट पे बहुत को देख रहे अभी फ्लैट ज्यादा बना रहे हैं, तो आप लोग मतलब इसका कुछ प्लान है आप लोगों का कि आप लोग नहीं बनाएंगे नहीं, या फिर क्यों नहीं फ्लैट बना देखिए, रहे? फ्लैट हम लोग नहीं बना रहे हैं। देखिए ये अगर देखा जाए तो कस्टमर का ही बेनिफिट होता है। मान लीजिए सपोज दैट कि मैं तो अपने बारे फ्लैट में में तो बात आप करूं, लोगों का तो फायदा है ना बहुत ज्यादा देखिए मेरा तो फायदा है लेकिन हमारे कस्टमर का नुकसान है। मतलब फ्लैट में नुकसान कैसे है? कैसा नुकसान, जैसे मान लीजिए कि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मेरा एक छोटा फैमिली है, हस्बैंड हाँ, वाइफ एक, हम लोग छोटा मेरा बच्चा है, ठीक है। वो तो पता है। तो जाहिर सी बात है कि जब शादी हुई है बच्चे होंगे, बच्चे बड़े होंगे, फ्लैट पे क्या आप 2 BHK के लिए, ठीक है, बच्चे बड़े होंगे उनको, आपको आप 2 BHK के लिए तो आपको उनको सेपरेट कमरा दे पाएंगे क्या, नहीं, आप उसके फर्स्ट फ्लोर पे बना पाएंगे, नहीं पाएंगे। लेकिन घर होने से क्या होगा कि एक तल्ला घर ले लिए, एक तल्ला अभी बनाए तो 2 तल्ला 3 तल्ला बना सकते हैं फैमिली बढ़ने पे। दो तल्ला फैमिली का, लड़का बड़ा होगा लड़का ही बना हाँ, और दूसरी लेगा बात है क्या होता है कि फ्लैट का हमेशा वैल्यू डाउन जाता, डाउन कम जाता होता है, है। लेकिन फ्लैट का एक चीज और है, मतलब हम भी फ्लैट ही देखने गए थे कुछ दिन पहले का, ठीक है, तो फ्लैट का एक चीज क्या है ना कि मतलब जितना जो चीज देख रहे हैं ना, वो चीज हम मतलब किसी फ्लैट को खराब नहीं बोल रहे, कुछ मेरा कुछ हक भी नहीं बोलने का, लेकिन हाँ एक चीज और है, जो दाम में हम लोग अगर फ्लैट लेंगे ना 2 BHK, वो दाम में आप जमीन लेके घर भी बना लोगे, एकदम नहीं 100% देखिए, गारंटी के साथ है। मैं किसी का चॉइस पे नहीं जा सकता हूँ, हाँ, नहीं कुछ बोल सकता, वो लेकिन नहीं, मैं एक चीज हम बता, प्राइस का बता रहे हैं हाँ ना, कि मैं एक चीज बोलता हूँ कि आप पैसा देकर किसी का दो बात क्यों सुनेंगे। सही बात है। आपको सबसे पहला कि आपका उसमें ना फ्लोर मिल रहा है, आपका ना जमीन है ना आपका छत है, आपको आप किसी भी फ्लैट में फ्लोर का भी काम कराने के लिए आपको नीचे वाला से NOC लेना पड़ेगा, परमिशन लेना होगा कि परमिशन लेना मैं होगा, अपना फ्लैट का नीचे का फ्लोर का काम कराना चाहता हूँ, या फिर आप सीलिंग का भी काम कराएंगे तो आपको ऊपर वाला से ऊपर से लेना परमिशन लेना होगा। परमिशन लेना पड़ेगा, तो ऐसे जगह पे रह के क्या नहीं, फायदा। पहले का एक चीज था, पहले का हम चीज मान रहे, जैसे आज से अगर आप 20 साल पहले चला जाएंगे या 15 साल पहले, उस टाइम क्या था ना कि फ्लैट का एक अलग प्राइवेसी था, कि हाँ फ्लैट में आपका अननोन कोई बाहर से आ नहीं आ नहीं सकता, सकता, आपका फैमिली सेफ्टी है, मतलब बिल्कुल सब कुछ सिक्योर वगैरह था, लेकिन हाँ, अभी वो चीज है ना, अभी वो चीज मतलब ये वो प्लॉटिंग में भी सारा चीज मिल जा हम रहा है। ये हम सिक्योरिटी के लिए हम सारा चीज हम इस सोसाइटी के अंदर ही दे रहे आपको हैं, बाउंड्री वगैरह सब कुछ तो मिल दो ही जगह जा रहा बाउंड्री वाले, सिक्योरिटी है। गार्ड है, हाँ, CCTV कैमरा है, आप इसके अंदर पार्क है, गार्डन है, लेकिन हाँ, टेम्पल है, सबका अलग अलग सुपर मार्केट पसंद है, है। वो चीजें मानते हैं, लेकिन हाँ अगर पैसे के मामले में देखा जाए, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो फ्लैट ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सीधा सीधे एक चीज मैं बताता हूँ ठीक है। कि आप आज 25 लाख का घर लो और 25 लाख का फ्लैट लो, 15 साल के बाद आप फ्लैट को बेचोगे तो 25 से वो फ्लैट हो सकता है 22 जाएगा, सही बात है, 27 नहीं जाएगा, लेकिन 25 लाख का घर लेने के बाद वो आपका 5 साल 10 साल के बाद वो 40 जाएगा, वो 22 नहीं जाएगा, वो ये तो मैं है एकदम ही। गारंटी बोलता हूँ प्लॉट में इसीलिए। एक चीज और सुविधा ना, आप अपने डिजाइन से घर बना सकते हो, एक तल्ला बनाओ या दो तल्ला बनाओ, आपको कम पैसा है तो एक तल्ला बना लीजिए, ज्यादा बिल्कुल पैसा है बिल्कुल दो तल्ला बना लीजिए, जैसा भी बना लीजिए, लेकिन फ्लैट में भाई आपको 2 BHK कम से कम, तो भाई अभी रेट तो हम बता नहीं सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर बोल सकते हैं कि उसमें जो रेट होगा उसमें ये घर भी बन जाएगा जमीन लेके, बिल्कुल, वो ठीक भी है, अपना होगा, अपना संतुष्ट होगा, वो संतुष्टि रजिस्ट्री होगी। रजिस्ट्री वगैरह सब में होता है, लेकिन ये एक अपना अलग चीज होगा, आप काटे ठोको या कुछ भी करो, कोई बोलने वाला नहीं हाँ है ना, बिल्कुल तो बिल्कुल, इसीलिए आप लोग फ्लैट नहीं बना रहे ना। इसीलिए फ्लैट हम नहीं बनाते हैं, ठीक सही है, घर बात है। बनाते हम हैं। मेरा मतलब मेरा दिमाग में अगला बार से ये चीज था कि अभी तो ज्यादातर रेजिडेंशियल में फ्लैट सब बना रहे हैं क्योंकि अपना प्रॉफिट के लिए, क्योंकि आप लोग जो ये कर रहे थे तो फ्लैट में भी तो बहुत सारा बिल्कुल बिल्कुल हो होता जाएगा ही ना। है,
लेकिन नहीं, ये क्या घर का एक जो मजा है ना वो फ्लैट का नहीं है। सही बात है। एक चीज और बता दीजिए, अगर मेरा चैनल के थ्रू कोई आएंगे तो मतलब जो क्या रेट बताए वही लगेगा कि थोड़ा सा कुछ हो जाएगा? देखिए हम हर जगह जाते हैं तो रेट पहले कम करवाते हैं हर चीज का वीडियो। नहीं, अगर कोई अगर आपके थ्रू आते हैं तो बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा, हो जाएगा ना कुछ। और मान लीजिए कोई दूर का क्लाइंट देख रहे हैं, उनको आने का समय नहीं, एक ही बार आएंगे रजिस्ट्री करवा के जाएंगे, बाकी सब कॉल पे होगा? वन डे पे हम लोग रजिस्ट्री करते हैं। मतलब अगर वो कॉल करेंगे आपको तो ऑनलाइन, मतलब आप लोग ऑनलाइन पैसा भेज के बुक करवा सकते हैं? बिल्कुल ऑनलाइन पे ही होता है, ठीक है ना, और भी ऑनलाइन से हमें पेमेंट करके बुक कर सकते हैं। और वन डे जिस दिन आएंगे, कल एक दिन पहले हमें इन्फॉर्मेशन देंगे कि मैं कल आ रहा हूँ। सबसे जो एक बड़ा चीज़ है ना, वो ज़्यादातर मिडिल फैमिली के लिए होता है कि अगर प्लॉट पे मतलब ईएमआई वगैरह का, प्लॉट पे अभी लोन नहीं होता है, अभी लोन नहीं होता, नहीं होम लोन हम लोग करवा देते हैं, प्लॉट पे लोन नहीं। मान लीजिए कोई अगर प्लॉट ले ले रहे, ठीक है, जैसे तैसे, उसके बाद अगर आपको बोलेंगे भैया घर भी आप लोग बना के दीजिए, तो उसके लिए उनके पास पैसा नहीं रहेगा? उनके लिए हम 90% तक लोन करवा देंगे। अगर सिविल स्कोर उनका अच्छा है, मान लीजिए सिविल तो अच्छा ना जरूरी हर चीज, 20 लाख का अगर घर बना रहे तो मैं इतना उनको बोल रहा हूँ कि 18 लाख तक मैं लोन करवा दूंगा। 18 लाख मतलब बहुत है ना, 98% आप करा ही दे रहे हैं, 90% हम लोन करवा देंगे। सही बात है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक बार फिर से आप लोकेशन थोड़ा समझा दीजिए बढ़िया से कि आसनसोल मतलब किस साइड में है। वैसे यहाँ से सेंट्रम ज़्यादा दूर नहीं है ना? यहाँ से आपका 1.5 से 2 किलोमीटर में सेंट्रम मॉल, HLG, हेल्थ वर्ल्ड, आसनसोल के टॉप क्लास के जितने स्कूल है सब। देखिए आसनसोल जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका जस्ट बगल में सेंट्रम है, जस्ट ऑपोजिट में HLG है ना, और यहाँ से वो 1 से 1.5 किलोमीटर, मतलब सारा चीज सामने ही मिल जाएगा, सारा चीज सामने ही मिल जाएगा। वहाँ से अगर हम लोग बीएनआर मोड़ देखेंगे तो वो भी लगभग लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ेगा, उससे ज्यादा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के अंदर ही पड़ेगा, ठीक है। और इधर से अगर आप शॉर्टकट मार देगा तो 5 किलोमीटर पड़ जाएगा रेलवे स्टेशन। तो सारा कुछ जस्ट दे ही दिया, जहाँ तक मतलब हमको नहीं लग रहा कि कुछ हम लोग छोड़ दिया। अगर फिर भी आप लोग को लग रहा होगा कुछ छोड़ दिया, फिर मन में क्वेरीज कुछ रहेगा, तो जो नवीन भैया का स्क्रीन पर नंबर चला आप लोग इजीली कॉल कर सकते हैं। आप लोग अगर लोकेशन में कोई दिक्कत हो आने के लिए तो भैया आपको लाइव लोकेशन भी भेज देंगे। हाँ बिल्कुल। और अगर आप लोग ऑनलाइन अगर बुक करेंगे भैया को कुछ एडवांस कर देंगे तो भैया वो भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ भी क्वेरीज रहेगा तो भैया अवेलेबल फ्री है। कब से कब तक कॉल कर सकते हैं आप? सुबह आप 8 बजे के बाद से रात के 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक फोन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जब तक खाना वाना खा के सोते नहीं तब तक कॉल कर ही सकते, कोई दिक्कत नहीं। फोन आता ही है हमारे, फोन आता ही है, सही बात है। और भैया एक चीज और बता दीजिए, जैसे कि मेरा वीडियो तो मतलब बहुत कोई देखते हैं, तो यहाँ पे किस टाइप कस्टमर को प्लॉट मिलता है जो कि अभी सबसे ज्यादा? देखिए हम तो सबसे पहले मैं आपको एक बता, एक ये एक हिंदू बेस्ड कल्चर सोसाइटी हम लोग बना रहे हैं, तो कल्चर हिंदू बेस्ड कल्चर सोसाइटी के हिसाब से जो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, छठ पूजा का घाट है, मंदिर है, ठीक है, तो ये एक कम्युनिटी के लिए भी हमारी कंपनी हमारी तैयार कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आपको बोलना ये चाहते, यहाँ मंदिर छठगढ़ वगैरह सब मिल जाएगा, सब कुछ है इसके अंदर। यहाँ पे शायद कितना, शायद एक शायद भोले जी का मंदिर हो जाएगा, भोले जी का मंदिर है, ठीक है ना, एक गणेश जी का तो हम लोग देखे अभी, गणेश जी का भी है जगह जगह पे, जगह जगह पे जगह जगह पे छोटा छोटा मूर्ति वगैरह है, ठीक है। लेकिन भैया जो अभी बात बोले उन पे आप लोग ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। ये दोनों नंबर मेरा व्हाट्सएप है, दोनों नंबर कॉलिंग भी है, कॉलिंग भी व्हाट्सएप भी है, हाँ दोनों। और डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाओगे ना तो आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है, प्राइस वगैरह का जो है और लोकेशन वगैरह क्या है। हो सके तो मैं आपका भी लोकेशन हम डाल ही देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या होगा, आप एक टच करके अपना घर से कितना दूर है वो आप देख सकते हो। हाँ बिल्कुल, है ना। तो वीडियो कहीं तक रखते, ज्यादा लंबा नहीं करते, सारे डिटेल्स हमने तो बता ही दिए घर का, प्लॉट का, जो भी है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।